क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके कैटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके कैटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके कैटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। देखिए, हमने शुरू से ही पूरा प्रयास किया है कि हम अपने कार्यकाल के समय में हमारे शहर को कुछ ऐसी सौगातें देके जाएं जिससे कि हमारे शहर के विकास में हमारा योगदान रहे। चाहे उसमें आप अमृत टूटी योजना ले लीजिए जो 137 करोड़ की, और उसका कार्य इतनी तेजी से हम करा रहे हैं क्योंकि 37.5 किलोमीटर की वो लाइन डलनी है, जिसमें कि अभी समय में 11.5 किलोमीटर की लाइन का काम कंप्लीट हो चुका है। और हम उसको पूरा प्रयास कर रहे हैं कि समय अवधि से पहले, क्योंकि 2025 अक्टूबर तक का उसका समय है, तो उस समय अवधि से पहले हम उसको कंप्लीट करवा लेंगे और शहर को हम जल की सुविधा उत्पन्न कराएंगे। आज तक जो है यहाँ पर बड़ी समस्याएं थी जो रिंग रोड वगैरह की, क्या प्रोसेस में है और उसको कब तक पूरे करने का प्रयास? देखिए, हमने उसका सभी का प्रस्ताव दिया है रिंग रोड बाईपास के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मांगा गया था। हम जल्द से जल्द उनसे आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे शहर के लिए सौगात दें, जिससे कि जो रिंग रोड बाईपास की समस्या हमेशा आती रही है वो दूर हो। क्योंकि हमारे शहर में आप देखिए कि एक जल की, एक स्विमिंग पूल का भी मुद्दा हमेशा चलता रहता था, जो आज स्विमिंग पूल बन के तैयार है। नर्मदा जल का काम बहुत तेजी से चल रहा है, तो आने वाले समय में निश्चित ही रिंग रोड बाईपास की सौगात भी हमारे शहर को जल्द से जल्द मिलेगी। और दो साल में कितने करोड़ के काम होंगे, कितने करोड़ के काम हो गए और कितने करोड़ के काम पेंडिंग है? अभी कम से कम हमारे शहर में अभी अनुमानित देखा जाए तो करोड़ों के काम हम कर चुके हैं और करोड़ों के काम आने वाले समय में हम करने वाले हैं। जो विकास के आपके दावे हैं, विपक्ष जो है लगातार घेर रहा है, उनका कहना है कि दावे ही है, हकीकत नहीं है। देखिए, जो चीज सामने दिख रही है आप उसको देखकर कैसे आंख बंद कर सकते हैं? आप देखकर भी नहीं देखना चाहते हैं कि शहर में जो कार्य हो रहे हैं, कोई स्विमिंग पूल छोटी सी चीज तो है नहीं कि इनको दिखाई नहीं दे रही है, या अमृत टू की योजना इनको दिखाई नहीं दे रही है, या जो हमारे शहर में सीवरेज का प्लांट लगेगा वो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे, आप जरा आंख खोल कर देखिए ना कि कहां नहीं शहर विकास के लिए कार्य हो रहे हैं। और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे माननीय सांसद जी हो, विधायक जी हो, मैं स्वयं हूँ, सभी जनप्रतिनिधि पूरे प्रयास में लगे हुए हैं कि हम अपने शहर का विकास कर सके। जो हमारे रेल की सौगात हमको इतनी बड़ी जो मिल रही है, जो माननीय सांसद जी के प्रयासों से, तो ये शहर का विकास नहीं है तो क्या है? विपक्ष को तो सिर्फ बोलना आता है और हमेशा से वो हर चीज, छोटी सी चीज को मुद्दा बनाकर उसका इशू बनाने का काम किया है। और हमारा काम, सिर्फ हमारा काम है कि शहर के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए प्रयास करते हैं। रोड को लेकर बहुत लोग जनसुनवाई में आते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, रोड मेजर इशू है। देखिए, बारिश में हमेशा रोड खराब होती है और हम लोग जैसे ही बारिश खत्म होगी अक्टूबर में पेच वर्क से लेकर नई रोडें बनाने का काम तुरंत शुरू करेंगे।